ब्रांच चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने डिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक तो हमारा कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। एक तो है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ जनरल एंट्रीज करनी है। सेकेंड है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, उसकी भी जनरल एंट्रीज हैं हमारे पास। और थर्ड है हमारा यहाँ पे एक होलसेल प्राइस मेथड है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था डिपेंडेंट से, उसे हम इंडिपेंडेंट से भी कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रांच बुक्स या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू द हेड ऑफिस, मीन्स ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक्स को दोनों को कंबाइन करना। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चे, हमने बात की थी, डिपेंडेंट का मतलब है कि ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ब्रांच अपनी बुक्स खुद ही मेंटेन करता है। और अगर वो खुद मेंटेन करता है तो अपने वो फाइनेंस अकाउंट बनाकर हेड ऑफिस को प्रोवाइड करता है, और बाद में हेड ऑफिस उसे अपनी बुक्स में मर्ज करता है अपना पूरा होल एक इकट्ठा बिजनेस दिखाने के लिए, एक अपनी कंप्लीट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो वो वाला काम भी हमें यहाँ इंडिपेंडेंट में करना है। तो तीन टॉपिक तो हम यहाँ आज ही कवर कर देंगे, ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस टू एंड ब्रांच, जो जनरल एंट्रीज हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, और एक जो हमारा होलसेल प्राइस मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिपेंडेंट के मेथड से किया था। मैंने बताया भी था आपको क्वेश्चन नंबर 9 को हम इंडिपेंडेंट से भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आज इस क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। चलो इंडिपेंडेंट ब्रांच की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक करेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हें रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले हम। तो देखते हैं जरा एक एक, हमारे पास यहाँ कुछ एक ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हमने कवर करना है, तो एक एक ट्रांजेक्शन उठाते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। दोनों जनरल एंट्रीज हमें देखनी है कि उसकी बुक एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में कैसी होगी और ब्रांच की बुक्स में कैसी होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हेड ऑफिस की ट्रांजेक्शन हो रही है ब्रांच के साथ और ब्रांच की ट्रांजेक्शन हो रही है हेड ऑफिस के साथ, तो दोनों अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं, ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट इफेक्ट करेगा, डेबिट या क्रेडिट करेगा, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट करेगा। और हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर रूल कौन सा चलेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखना है, बेसिक रूल है जो हमने प्लस वन में भी किया था और फाउंडेशन में भी किया था, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल यहाँ पर चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ट्रांजेक्शन है जी गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, तो एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंट किए और ब्रांच ने गुड्स रिसीव किए। तो अगर हम हेड ऑफिस की बुक्स में देखें तो ब्रांच इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो ब्रांच क्या होगा, डेबिट होगा हेड ऑफिस की बुक्स में, तो एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस इज अ गिवर, तो गिवर कौन होगा जी, क्रेडिट, तो वो एंट्री करेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है जी कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, सेम ऐसे ही, यहाँ पर गुड्स सेंड की जगह कैश हो गया। कैश हमारा क्या है जी, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश हेड ऑफिस के पास आया और भेजा किसने, ब्रांच ने, तो ब्रांच है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में रूल रखता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ब्रांच यहाँ पर गिवर है तो वो क्रेडिट होगा, हेड ऑफिस रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। और हेड ऑफिस के पास कैश आया तो वो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच कर देगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके पास से कैश चला गया तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री आती है जी गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये सेम गुड्स सेंट की रिवर्स एंट्री है कि अगर हेड ऑफिस ने गुड्स रिटर्न गुड्स सेंड किए हैं और बाद में ब्रांच उन्हें रिटर्न कर देता है, तो इसे मूटी रिटर्न एंट्री होगी, बस गुड्स सेंड की जगह गुड्स रिटर्न आ जाएगा। जैसे सेल्स की एंट्री होती है, सेम यही एंट्री है, सेल और सेल रिटर्न वाली एंट्री ही यहाँ पर गुड्स सेंड वाली एंट्री है। ऐसे इसके बाद हमारी आती है जी सैलरी टू ब्रांच एम्प्लॉय, अगर ब्रांच के एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, इसमें भी फर्स्ट केस है अगर पेड बाय ब्रांच कर रहा है जी, अगर ब्रांच ने पे की है तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है अगर ब्रांच पे करता है तो हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री जरूर करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मली सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी टू बैंक, यही एंट्री करेगा यहाँ पर सैलरी टू बैंक। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, हेड ऑफिस एक सेपरेट एंटिटी है, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड ऑफिस अपने बुक्स में कोई भी एंट्री इसकी नहीं करने वाला, ब्रांच अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, हेड ऑफिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है अगर पेड बाय हेड ऑफिस, अगर ब्रांच के एम्प्लॉय को सैलरी हेड ऑफिस पे कर रहा है
तो क्या एंट्री होगी जी। अब बात हुई ब्रांच के एम्प्लॉय को सैलरी पे हो रही है, ब्रांच का तो एक्सपेंस हो गया, वो तो अपना एक्सपेंस अपनी बुक्स में डेबिट करेगा ही करेगा, तो दैट मीन्स सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा ब्रांच की बुक्स में, लेकिन बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा ब्रांच की बुक्स में, क्योंकि बैंक पे किया हेड ऑफिस ने, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कौन करेगा अपनी बुक्स में? हेड ऑफिस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो होगा ब्रांच की बुक्स में और बैंक अकाउंट क्रेडिट तो होगा हेड ऑफिस की बुक्स में। बस अब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट कर देगा और ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अब हेड ऑफिस ने बैंक पे किया, अमाउंट पे किया सैलरी का, किसका? जो एम्प्लॉय उसका था भी नहीं ब्रांच का, तो दैट मीन्स उसने ब्रांच के एम्प्लॉय को अगर सैलरी पे किया तो अब इतने ही पैसे उसने ब्रांच से रिसीव करने हैं, लेने हैं, तो ब्रांच उसका डेटर बन गया। अगर मैं किसी के एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहा हूँ तो दैट मीन्स अब मुझे उससे वो पैसे लेने हैं, तो ब्रांच मेरा डेटर बन गया, तो इसलिए हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट कर दिया कि इससे मुझे पैसे लेने हैं जो मैंने इसके एम्प्लॉय की सैलरी पे की, और ब्रांच ने अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया कि अब ये है ब्रांच की बुक्स में लाइबिलिटी है जो उसने हेड ऑफिस को देनी है, जो उसके एम्प्लॉय की सैलरी हेड ऑफिस पे कर रहा है। सेम ऐसी अगर हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी ब्रांच पे करता है, सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय पेड बाय ब्रांच, तो यहाँ पर सैलरी हेड ऑफिस की है तो उसकी बुक्स में सैलरी डेबिट हो जाएगा और ब्रांच की बुक्स में बैंक क्रेडिट हो जाएगा, उसने पे किया, तो ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा एज अ रिसीवर और हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट कर देगा कि ये लाइबिलिटी है उसने पे करनी है ब्रांच को। अगर कहता है एक्सपेंसिस ऑफ हेड ऑफिस एलोकेटेड टू ब्रांच, कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफिस कुछ कंसोलिडेटेड एक्सपेंसिस कर देता है और बाद में सभी ब्रांच को एलोकेट कर देता है, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन, कुछ पेटेंट देना पड़ गया या कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़ गए जो हेड ऑफिस को पे करने पड़े इकट्ठे, तो वो बाद में अपनी सभी ब्रांचेस को एलोकेट कर देता है। जैसे ये कपड़े वाले शोरूम होते हैं तो इनके कुछ लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस या और कुछ ब्रांड रजिस्ट्रेशन या लीगल फीस वगैरह कुछ भी पे करनी पड़ी, तो अब हेड ऑफिस वो फीस पे करता है और ब्रांचेस को बाद में एलोकेट कर देता है थोड़े 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 खर्चे, या फिर सभी ब्रांचेस की इकट्ठी एक कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग फीस उसे पे करनी पड़ रही है, कोई लीगल फीस पे करनी पड़ रही है एक कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो ब्रांच क्या हेड ऑफिस क्या करता है कि वो खर्चा तो कर देता है अपने पास और बाद में अपनी बुक्स में उसे एक्सपेंस टू बैंक की नॉर्मल एंट्री कर देगा, लेकिन बाद में वो एक्सपेंस ब्रांचेस को एलोकेट कर देता है थोड़ा 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 थोड़ा, मीन्स अपनी बुक्स में जो उसने एक्सपेंस डेबिट किया था उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देगा और ब्रांचेस को एलोकेट कर देगा ताकि ब्रांच उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में डेबिट कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? ब्रांच टू एक्सपेंस, जिस ब्रांच को एलोकेट किया उसे डेबिट कर देगा और एक्सपेंस क्रेडिट कर देगा। हेड ऑफिस ये शो कर रहा है यहाँ पर कि ये आपका एक्सपेंस था जो मैंने पे कर दिया, तो मैं अपनी बुक से एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और आपको डेबिट कर रहा हूँ कि आपसे मुझे अभी पैसे लेने हैं जो मैंने एक्सपेंस पे किया हुआ है। और सेम हेड ऑफ अब ब्रांच को एलोकेट हो चुका है तो ब्रांच अपनी बुक्स में एक्सपेंस को डेबिट कर देगा, अपना खर्चा दिखा देगा, और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा कि ये जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने किया था इसके लिए मुझे हेड ऑफिस को कुछ पैसे देने हैं, तो अपने बुक्स में वो हेड ऑफिस की लाइबिलिटी शो कर दे। सेम ऐसी अगर हेड ऑफिस कुछ इनकम एलोकेट करता है, हेड ऑफिस कुछ ऐसी इनकम जनरेट करता है जो बाद में उसे ब्रांचेस में एलोकेट करनी हो, तो फिर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जो उसने इनकम क्रेडिट की हुई है उसे डेबिट कर देगा और ब्रांच को क्रेडिट में लाइबिलिटी दिखा देगा कि ये ब्रांच की इनकम थी जो मुझे मिल गई, तो ब्रांच को मैं इनकम एलोकेट कर रहा हूँ और ये पैसे मैंने ब्रांच को देने हैं, तो अपनी बुक्स में इनकम डेबिट करके कम कर देगा और ब्रांच को लाइबिलिटी दिखा देगा, और ब्रांच ऐसे ही अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा कि इससे मैंने ये इनकम के पैसे देने हैं, और इनकम अपनी बुक्स में बुक कर देगा क्रेडिट करके। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स डेटर्स इफ डेटर्स अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफिस। नॉर्मली ब्रांच के डेटर ब्रांच खुद ही मेंटेन करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इंडिपेंडेंट में भी कि डेटर अकाउंट हेड ऑफिस अपने बुक्स में मेंटेन करता है। हेड ऑफिस कहता है जी आप सेल करो लेकिन डेटर मैं ही मेंटेन करूँगा, तो उस केस में नॉर्मली तो एंट्री सेल टू सॉरी डेटर टू सेल्स होती है, लेकिन ब्रांच अपनी बुक्स में वो अगर डेटर अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है तो वो सेल की एंट्री अपनी बुक्स में डेटर टू सेल नहीं करता, हेड ऑफिस टू सेल्स कर देता है और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में डेटर टू ब्रांच एंट्री कर देता है। सीधी सी एक बात है जी, एंट्री तो वही सेम होनी है, कोई भी एंट्री आप उठा दो एंट्री तो वही होगी सेम, अगर सेल की एंट्री डेटर टू सेल है तो डेटर टू सेल ही होगी, बस डिपेंड करेगा कि सेल ब्रांच रिकॉर्ड करेगा तो उसकी बुक्स में सेल क्रेडिट होगी, और अगर हेड ऑफिस डेटर रिकॉर्ड करेगा तो उसकी बुक्स में डेटर डेबिट होगा, और बाकी जो अदर साइड होगी उस पर आप हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच लिख दें, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस लिख दें।
सेम जैसे अभी कह रहा है जी, अगर डेटर अकाउंट हेड ऑफिस ने मेंटेन किया है और उस डेटर से कैश रिसीव हो जाता है और कैश ब्रांच ही रिसीव कर रही है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अब डेटर से कैश रिसीव करने की एंट्री तो कैश टू डेटर ही होती है, लेकिन कैश ब्रांच ने रिसीव किया तो कैश को वो डेबिट करेगा, और डेटर हेड ऑफिस की बुक्स में खड़े हैं तो डेटर को हेड ऑफिस क्रेडिट करेगा, और अपने पास दूसरी एंट्री हेड ऑफिस अपने बुक्स में बचा हुआ ब्रांच को डेबिट कर देगा और ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। सेम कहता है अगर अबव डेटर को सेल की, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्हीं डेटर को अगर सेल की जाती है तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में डेटर टू ब्रांच कर देता है और ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस टू सेल कर देती है, क्योंकि नॉर्मल एंट्री तो डेटर टू सेल ही होनी है, लेकिन डेटर अकाउंट अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो वो डेबिट करेगा, सेल अकाउंट ब्रांच मेंटेन कर रही है तो वो क्रेडिट करेगा। अब कहता है अगर इन्हीं डेटर्स पर प्रोविजन भी बनाना पड़ा, अब सीधी सी बात जी, प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन डेटर अकाउंट में कभी भी एडजस्ट नहीं होता, ध्यान है, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रहे, गलती मत कर देना। प्रोविजन लेकिन बनेगा वहीं जहां डेटर बनाए गए, क्योंकि बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करके ही दिखाया जाता है, या फिर आप उसे क्रेडिट साइड पे भी दिखा सकते हैं। तो अगर डेटर हेड ऑफिस ने मेंटेन किए हैं तो प्रोविजन अकाउंट भी हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा, लेकिन पी एंड एल एक्सपेंस तो डेबिट ब्रांच ही करेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो उसी का ही है, सेल्स उसने डाली है, इनकम उसने बुक की, तो खर्चा भी वही बुक करेगा। तो अब यहाँ पर प्रोविजन टू सॉरी पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंट्री होनी थी, तो पी एंड एल डेबिट करेगा ब्रांच और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट करेगा हेड ऑफिस। ठीक है जी, तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगी पी एंड एल टू हेड ऑफिस और हेड ऑफिस की बुक्स में होगी ब्रांच टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट एंट्री आती है जी, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, दैट मीन्स कैश इन ट्रांजिट। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया लेकिन अभी तक हेड ऑफिस के पास नहीं पहुंचा, तो ब्रांच तो अपने बुक्स में हेड ऑफिस टू कैश एंट्री उसी दिन कर देता है जिस दिन उसने रेमिट कर दिया, लेकिन हेड ऑफिस के पास अगर नहीं पहुंचा तो नॉर्मली जिस दिन पहुंच जाता है तो उस दिन वो अपने पास कैश टू ब्रांच एंट्री कर देता है, लेकिन ईयर एंड पर 31 मार्च में जब भी हम बुक्स क्लोज करते हैं तो हम हेड ऑफिस और ब्रांच के बुक्स को मैच करते हैं और वो बैलेंस मैच नहीं होता इस केस में। क्यों? क्योंकि हेड ब्रांच ने तो अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया और दिखा दिया कैश दे दिया, लेकिन हेड ऑफिस के पास अभी नहीं आया तो उसने ब्रांच को क्रेडिट नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में, कि वो ब्रांच को क्रेडिट कर देता है कि इससे पैसे देने थे जो आ गए लेकिन अभी ये कैश रास्ते में है, तो इसलिए कैश डेबिट नहीं करते, कैश इन ट्रांजिट डेबिट कर देते। तो जैसे ही इसके पास कैश रिसीव हो जाता है तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कर देता है और कैश इन ट्रांजिट अकाउंट को ख़त्म करके कैश डेबिट कर देता है, इससे हेड ऑफिस और ब्रांच के जो अकाउंट है वो आपस में मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंट की है लेकिन ब्रांच को अभी तक रिसीव नहीं हुआ। गुड्स सेंट की तो नॉर्मल एंट्री ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ही हमने पहले भी की है, लेकिन अगर ब्रांच के पास रिसीव नहीं हुए तो वो क्या करेगा? अपने पास गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस नहीं करेगा, क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुए तो वो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस कर देगा, कि हेड ऑफिस को तो क्रेडिट कर दिया कि इससे गुड्स लिए हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट किया कि अभी ये रास्ते में है और गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं और ये गुड्स इन ट्रांजिट हमारे ट्रेडिंग में भी आ जाते हैं डेबिट साइड पे भी, तो ये दोनों साइड आते हैं, जैसे हमारी परचेजेज आती है, परचेज भी आती है और जब तक बिका नहीं तो स्टॉक में भी आता है, तो गुड्स इन ट्रांजिट तो अभी बिका नहीं है तो वो स्टॉक में भी आता है और परचेज के साथ भी आता है। तो जैसे ही ये हमारे पास रिसीव हो जाएंगे तो हम गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट करके ख़त्म कर देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। नेक्स्ट आता है जी, ब्रांच परचेज्ड फिक्स एसेट बट एसेट अकाउंट मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच ने फिक्स एसेट परचेज की, पैसे ब्रांच ने दिए लेकिन फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन हेड ऑफिस कर रहा है, डेप्रिसिएशन भी हेड ऑफिस ही क्लेम करेगा। तो अब ऐसे केस में कहता है जी, पैसे ब्रांच ने दिए तो बैंक तो उसी की बुक्स में क्रेडिट होगा, लेकिन फिक्स एसेट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो फिक्स एसेट हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट होगी, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा फिक्स एसेट डेबिट टू ब्रांच और ब्रांच एंट्री करेगी हेड ऑफिस टू बैंक। डेप्रिसिएशन ऑन अबव एसेट, अब इस एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, तो इस केस में फिक्स एसेट क्रेडिट तो होगी जी किसकी? हेड ऑफिस की बुक्स में, और डेप्रिसिएशन डेबिट होगा क्योंकि खर्चा
ब्रांच ही बुक करेगी, क्योंकि यूज़ उस एसेट को ब्रांच ही कर रहा है, उसका बेनिफिट ब्रांच ही दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा ब्रांच की बुक्स में। वो एंट्री करेगा, ब्रांच करेगा डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, बाद में पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन भी ब्रांच ही एंट्री करेगा, और ब्रांच टू फिक्स एसेट की एंट्री अपने पास हेड ऑफिस कर देगा। नेक्स्ट आता है कि कैश फ्रॉम ब्रांच डेटर्स कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के डेटर से हेड ऑफिस ने कैश कलेक्ट कर लिया। अब ये वो वाले डेटर नहीं है जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, जो डेटर अकाउंट हेड ऑफिस ने मेंटेन किया था। ये नॉर्मली है जो डेटर अकाउंट ब्रांच ही मेंटेन कर रहा है, और ब्रांच ही अपने पास नॉर्मली डेटर टू सेल की एंट्री करता है, और उन्हीं डेटर से अगर कैश हेड ऑफिस कलेक्ट कर देता है, नॉर्मली तो ब्रांच को कलेक्ट करना है, लेकिन अगर हेड ऑफिस कलेक्ट कर देता है तो कैश हेड ऑफिस के पास है तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में कैश डेबिट करेगा, लेकिन डेटर ब्रांच के कम हुए तो डेटर अपने बुक्स में क्रेडिट कर देगा। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री करेगा कैश डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री करेगा हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर। नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री है जी, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट। ब्रांच में गुड्स भेजे हेड ऑफिस ने, लेकिन वो रास्ते में चोरी हो गए। अब जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे होंगे तो उसने एंट्री कर दी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रांच के पास जब रिसीव हुए होंगे तो उसने एंट्री कर दी होगी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, लेकिन ये वो गुड्स हैं जो ब्रांच के पास रिसीव ही नहीं हुए, तो दैट मीन्स ब्रांच ये एंट्री अपने पास करेगा ही नहीं। अब हेड ऑफिस ने तो गुड्स सेंट की एंट्री कर दी, लेकिन ब्रांच ने रिसीव की एंट्री नहीं की, तो इस केस में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जो गुड्स सेंट की एंट्री थी जहाँ ब्रांच को डेबिट किया गया था वहाँ ब्रांच को वापस वो क्रेडिट कर देगा, और लॉस बाय थेफ्ट अपने पास लॉस बुक कर देगा डेबिट में, जो हमारा नॉर्मल लॉस भी आएगा और जो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड पे भी शो किया जाएगा। बाद में इस लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री हो जाती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। तो ये कहाँ आ जाता है जी, ये हमारा एबनॉर्मल सॉरी पी एंड एज अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट इसकी एंट्री हो जाती है, और ये पी एंड एज अकाउंट में भी डेबिट में आ जाता है टू साइड पे, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये शो हो जाता है। अब हमारे पास आती है जी नेक्स्ट जो हमारी एंट्री हमारा टॉपिक है, ये हमारा बच्चे टॉपिक तो ये वाला ख़त्म हो गया जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा बहुत सी एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। इन ट्रांजेक्शन्स को कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है जो हमने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जो यहाँ कवर ना कर पाया हूँ, तो वो जैसे जैसे जो क्वेश्चन में आएंगी हमने सिर्फ सिंपल से एक ही रूल लगाना है कि नॉर्मल एंट्री वही सेम ही रखनी है अपने पास। जैसे हमने यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की एंट्री देखी थी हमने, तो वहाँ कैश टू डेटर है तो कैश टू डेटर की एंट्री है, लेकिन उस एंट्री को हम बायफरकेट कर देंगे कि अगर कैश हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया तो डेबिट वो अपनी बुक्स में कर देगा, और डेटर ब्रांच के इफेक्ट हुए हैं तो क्रेडिट वो अपनी बुक्स में डेटर को कर देगा। तो इस तरह से हम बायफरकेट करके किसी भी एंट्री को एलोकेट कर सकते हैं, इनकी बुक्स में एंट्रीज कर सकते हैं। तो सेम अब यही एंट्रीज के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये तीनों इसी के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों हमने करने हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को एक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा रहा हूँ, बाकी 11 और 13 आप लोग घर से कर लेना। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं है, तो ये एंट्री से ही आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें इसने कहा गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। इन्होंने सिर्फ एक हेड ऑफिस की बुक्स में आपको एंट्री मांगी है, तो आपको सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में ही करनी है, आपको ब्रांच की बुक्स में नहीं करनी। ये कहता है जी गुड सेंट टू ब्रांच 12,000 स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांसिट, ब्रांच मैनेजर रिसीव टू एक्सेप्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी। हेड ऑफिस ने गुड सेंट किए ब्रांच को, लेकिन वो रास्ते में ही चोरी हो गई और ब्रांच मैनेजर ने कोई भी लाइबिलिटी देने से रिसीव कर मना कर दिया। अभी हमने देखा था लास्ट में ही हमने एक एंट्री की थी
कि लॉस बाय थेफ्ट वाली, गुड्स सेंट के समय तो गुड्स सेंट की एंट्री हेड ऑफिस ने कर दी होगी, वो एंट्री हमें दोबारा नहीं करनी है, लेकिन हमसे इसने सिर्फ लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री मांगी है, क्योंकि ये कह रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो जब सेंट किया तभी एंट्री कर दी होगी, हमें जब पता लगा कि स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट है तब ब्रांच मैनेजर से बात की और उसने रिसीव करने से मना कर दिया, सॉरी ये रिफ्यूज़ कर दिया उसने कोई भी लाइबिलिटी देने से कि ये गुड्स मेरे पास पहुँचे ही नहीं, तो इसके रिगार्डिंग मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैं आपको इसके कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। तो हेड ऑफिस का ही लॉस है, तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर देगा? अभी हमने देखी थी लास्ट एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच की एंट्री वो 12,000 से अपनी बुक्स में कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ब्रांच पेड ₹15,000 एज सैलरी टू द ऑफिसर ऑफ हेड ऑफिस ऑन हिज विजिट टू ब्रांच। ब्रांच ने पे की है 15,000 सैलरी टू ऑफिसर ऑफ हेड ऑफिस ऑन हिज विजिट टू ब्रांच। ब्रांच हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहा है जी। नॉर्मली सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू बैंक, बिल्कुल, या सैलरी टू कैश। अब यहाँ पर कैश किसने पे किया? ब्रांच ने। तो ब्रांच अपनी बुक्स में कैश को क्रेडिट करेगा, लेकिन हमें ब्रांच की बुक्स बनानी नहीं, हमें हेड ऑफिस की बुक्स बनानी है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी पे की जा रही है, खर्चा हेड ऑफिस का हो रहा है, तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में सैलरी को डेबिट कर देगा और टू ब्रांच को क्रेडिट कर देगा, अपनी लाइबिलिटी शो कर देगा ब्रांच के टूवर्ड्स ये 15,000 की। थर्ड है जी, ऑन 28 मार्च 2012 हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू ब्रांच इनवॉइस 25,000 विच वॉज नॉट रिसीव बाय ब्रांच अंटिल 31 मार्च 2012। 28 मार्च को हेड ऑफिस ने गुड सेंट कर दी है, तो उसने गुड सेंट की एंट्री कर दी होगी, और 31 मार्च को ब्रांच को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो ब्रांच अपनी बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करेगा। हेड ऑफिस की बुक्स में 31 मार्च को कोई एंट्री नहीं होने वाली, लेकिन तो यहाँ पर हमें इसने बताया नहीं कि कौन सी डेट की एंट्री मांगी है। तो हमें अब अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप डेट डालकर देखते हैं कि 28 मार्च की एंट्री होगी ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, 31 मार्च को हेड ऑफिस की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, ब्रांच की बुक्स में होगी गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट आती है जी फोर्थ, कैश रेमिटेड रेमिटेंस ऑफ 10,000 सेंट बाय ब्रांच ऑन 30 मार्च रिसीव बाय हेड ऑफिस ऑन 1 अप्रैल। जो जी 30 मार्च को हेड ऑफ ब्रांच ने 10,000 रुपये भेजे, तो उसने तो एंट्री उसी दिन कर दी होगी हेड ऑफिस टू कैश, लेकिन 31 मार्च तक हेड ऑफिस के पास कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, 1 अप्रैल को रिसीव हुआ। तो 31 मार्च को हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो फोर्थ में होगी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, 1 अप्रैल को अपने पास कैश टू कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कर देगा जब रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है जी, हेड ऑफिस मेड पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच एंड रॉन्गली डेबिटेड इट्स ओन परचेज अकाउंट। बच्चों ये रेक्टिफिकेशन के टाइप ट्रांजेक्शन है फिफ्थ वाली, जैसे हम रेक्टिफिकेशन में करते थे। हेड ऑफिस मेड पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच की परचेजेस थी, ब्रांच की बुक्स में परचेजेस डेबिट होना था और हेड ऑफिस की बुक्स में बैंक क्रेडिट होना था, ऐसा ही कुछ होना था। तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ब्रांच की परचेजेस थी तो ब्रांच अपने पास परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस करता और हेड ऑफिस अपने पास ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश करता, लेकिन रॉन्गली डेबिटेड इट्स ओन परचेज, तो हेड ऑफिस ने क्या कर दिया? हेड ऑफिस ने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर दी जी। तो टू कैश तो हेड ऑफिस को करना ही करना था, कैश उसके पास से गया, लेकिन उसे ब्रांच डेबिट करना था, उसने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अब वो इसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेगा? ब्रांच तो डेबिट कर देगा और परचेज अकाउंट जो डेबिट किया है गलती से उसे क्रेडिट कर देगा। तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000 से। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कवर हो गया, 11th और 13th ये दोनों आपको खुद करने हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जी, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। मीन्स अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो बच्चों अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से ट्रांजैक्शन करती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो डायरेक्टली अपने पास ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो हेड ऑफिस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली होता क्या है, कई बार एक ब्रांच में सामान स्टॉक पड़ा होता है, दूसरी ब्रांच में स्टॉक की शॉर्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़ों का शोरूम ले लेते हैं हमारे यहाँ पर, चलो नाइकी का शोरूम देखते हैं, हमारे यहाँ पे नाइकी का शोरूम है और सेम ऐसा ही शोरूम एक चंडीगढ़ में भी है,
तो मान लेते हैं जी कोई ऐसा स्टॉक जिसकी डिमांड चंडीगढ़ में बहुत है और वहाँ ख़त्म हो जाता है, और नाइकी का जो हेड ऑफिस है वो है जी मुंबई में, तो चंडीगढ़ ब्रांच मुंबई में कॉल करती है कि मुझे स्टॉक चाहिए अभी जल्दी से जल्दी, मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है और मेरे पास ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुंबई ब्रांच कहती है जी ये स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी अभी शॉर्टेज में है। मुंबई जो हेड ऑफिस है वो कहता है जी ऑलरेडी शॉर्टेज में है, हमने भी बाहर से मंगवाया हुआ है, जहाँ से भी नाइकी ब्रांड है हमने वहाँ उस कंट्री से मंगवाया है, अभी आने में समय लगेगा। और चंडीगढ़ ब्रांच कहती है जी मुझे इमरजेंसी चाहिए स्टॉक, मेरे पास इसकी डिमांड है आजकल में ही मुझे चाहिए। तो हेड ऑफिस कॉन्टैक्ट करता है चंडीगढ़ की नियर बाय ब्रांचेज अम्बाला, हिमाचल, यमुनानगर और आपका पंजाब में, कि कहीं पे ये स्टॉक पड़ा हो जो चंडीगढ़ ब्रांच को चाहिए, जहाँ स्पेयर पड़ा हो। तो पता लगता है जी यमुनानगर ब्रांच में स्टॉक पड़ा हुआ है और यहाँ उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, यमुनानगर ब्रांच को ऑर्डर देगा कि आप ये स्टॉक चंडीगढ़ ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दें। तो ऐसी कुछ एंट्रीज होती हैं, कई बार किसी एक ब्रांच को कैश चाहिए होता है तो वो कैश भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से अपने आपस में इन्हें ये गुड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गुड्स कैश या बीआर वगैरह भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो किसी भी तरह से कर देते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्स भी बना देते हैं, तो ये किसी भी तरह से एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन दोनों ब्रांच आपस में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करते, ये हेड ऑफिस के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है। तो जैसे अब यहाँ पे यमुनानगर ब्रांच ने चंडीगढ़ ब्रांच को वो भेजे अपने पास गुड्स, तो कोई भी ब्रांच आपस में एक दूसरे के अकाउंट नहीं बनाती। यमुनानगर ब्रांच यही मान के चलती है कि मैंने तो गुड्स हेड ऑफिस को दिए, क्योंकि उसने हेड ऑफिस के ऑर्डर पे ही भेजेगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा। और चंडीगढ़ ब्रांच ये मान के चलती है कि मुझे तो गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव हुए। तो ये सब अपनी बुक्स में सिर्फ हेड ऑफिस का ही अकाउंट बनाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो हेड ऑफिस भी अपनी बुक्स में क्या करेगा, यमुनानगर ब्रांच ने गुड्स भेज दिए, दैट मीन्स उस गुड्स के पैसे यमुनानगर ब्रांच ने लेने हैं। तो वो क्या सोचेगा, यमुनानगर ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि मैंने हेड ऑफिस को गुड्स भेजे तो पैसे भी हेड ऑफिस से लेने। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में यमुनानगर ब्रांच को तो क्रेडिट कर देगा, लाइबिलिटी दिखा देगा कि उसे मैंने पैसे देने हैं, और चंडीगढ़ ब्रांच को डेबिट कर देगा कि उससे पैसे लेने हैं जो उसे गुड्स दिए। मतलब सीधा सीधा सा रूल लगेगा हेड ऑफिस की बुक्स में, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गुड्स रिसीव चंडीगढ़ ब्रांच ने किए तो उसे डेबिट कर देगा, और गुड्स जो ट्रांसफ़र किए वो यमुनानगर ब्रांच ने किए तो उसे क्रेडिट कर देगा। तो आपको यहाँ पे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स ही बनानी है, क्योंकि ब्रांच की बुक्स बनाने में कोई नया अकाउंट नहीं है ब्रांच के लिए, तो वो हेड ऑफिस से ट्रांजेक्शन है, जैसे हम पिछले टॉपिक में कर रहे हैं वही सेम एंट्री होनी है। हेड ऑफिस की बुक्स में डिफरेंट एंट्री है, क्योंकि हेड ऑफिस के अपने पास से तो कुछ जा नहीं रहा, गुड्स नहीं जा रहा, कैश नहीं आ रहे, तो हेड ऑफिस गुड्स और कैश को तो इफेक्ट नहीं कर सकता, वो दोनों ब्रांचेस को इफेक्ट करेगा सिर्फ अकाउंट को। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही रूल लगाना है जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, चाहे वो कैश ट्रांसफ़र करे, चाहे गुड्स ट्रांसफ़र करे, चाहे एनी अदर कोई भी एंट्री हो, चाहे बीपी बीआर ही ट्रांसफ़र क्यों ना हो, बीआर क्रिएट हो रहा है एक दूसरी ब्रांच का, तो वहाँ भी यही सिस्टम होगा। क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में सिर्फ ब्रांचेस के अकाउंट इफेक्ट होने हैं, और दोनों ब्रांचेस पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में रूल वही चलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जी है जी, तो यही एक रूल पे हमें ये वाला पूरा टॉपिक करना है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 14 है आपके नोट्स में, उसे मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कहता है जी शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 2013 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस एज्यूमिंग दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन्स डिफरेंट ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स। ठीक है जी, कह रहा है जी जनरल एंट्री शो करनी है हेड ऑफिस की बुक्स में 1 अप्रैल 2013 सॉरी अप्रैल 2013 को जो ईयर एंड हो रहा है, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है उनकी इनकॉर्पोरेशन की, मीन इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन की कुछ एंट्री करनी है, एज्यूम करके कि हेड ऑफिस डिफरेंट ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, ओनली हेड ऑफिस ही डिफरेंट ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहा है जी। लो जी, सबसे पहले दिल्ली ब्रांच की बुक से कुछ एंट्री मिली है। कहता है जी रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 35,000 एंड 15,000 फ्रॉम कोलकाता। तो एंट्री क्या होगी, अगर मुंबई से 35,000 के गुड्स दिल्ली ने रिसीव किए तो दिल्ली इज़ द रिसीवर एंड मुंबई इज़ द गिवर, तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच अकाउंट, और सेम
दिल्ली और कोलकाता की एंट्री की भी, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट 15,000। तो अब यहाँ पर हमें मांगा क्या हुआ इस रिक्वायरमेंट में, शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मीन्स ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है इन सारी ट्रांजेक्शन की एक सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बनानी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले एक टेबल बना दिया जो एडजस्टमेंट शो करने का एक एक एंट्री का, तो बाद में हम इनकी कंसोलिडेट करके एक एंट्री कर देंगे। तो हमने देखा जी हेड ऑफिस की बुक्स में दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, चार ब्रांचेज है, तो हमने चारों के एक अलग अलग कॉलम बना दिए। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन में देखें तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से, मुंबई ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 35,000 से, और कोलकाता ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कि दिल्ली ब्रांच यहाँ 50,000 से डेबिट है, मुंबई 35 से क्रेडिट है, कोलकाता भी 15 से क्रेडिट है। सेकेंड है जी गुड्स सेंड टू चेन्नई, दिल्ली ब्रांच की बुक्स में ही है, गुड्स सेंड टू चेन्नई 25,000, कोलकाता 20,000। तो इसने चेन्नई और कोलकाता को गुड्स भेजे, तो रिसीवर यहाँ चेन्नई और कोलकाता है, तो चेन्नई 25 से डेबिट होगा, कोलकाता 20 से डेबिट होगा, और दिल्ली 45 से क्रेडिट होगा। तो यही यहाँ पर किया हुआ जी, चेन्नई 25 से डेबिट हो रहा है, कोलकाता 20 से डेबिट हो रहा है, और दिल्ली 45 से क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जी बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, BR रिसीव किया 20,000 का चेन्नई ब्रांच से, तो रिसीवर दिल्ली है, तो दिल्ली डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और हमारे पास चेन्नई क्रेडिट हो जाएगा जी 20,000 से ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई 25,000 और कोलकाता 10,000। एक्सेप्टेंस मुंबई को सेंड की गई है, तो दैट मीन्स BR रिसीव किसने किया है, मुंबई ने। एक्सेप्टेंस रिसीव किसने की है, BP रिसीव किसने किया, मुंबई ने। तो यहाँ पर मुंबई अकाउंट डेबिट होगा 25 से, कोलकाता 10 से डेबिट होगा, और 35 से दिल्ली क्रेडिट हो जाएगा जी। क्लियर है, ये चार ट्रांजेक्शन हो गई। फिफ्थ हमारी आ रही है मुंबई ब्रांच से, मुंबई ब्रांच से हमें फिफ्थ और सिक्स दो ट्रांजेक्शन मिली, और ये बता रहा है अपार्ट फ्रॉम अबव, जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन मुंबई की है चारों, उनके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन हमें पता लगी है। कहता जी रिसीव गुड्स फ्रॉम कोलकाता, मुंबई ने कोलकाता से गुड्स रिसीव किए 15,000 के, दिल्ली से 20,000 के। तो मुंबई में क्या होगा, 35 डेबिट हो जाएगा, कोलकाता में 15 क्रेडिट होगा, और दिल्ली में 20 क्रेडिट होगा। नेक्स्ट सिक्स नंबर में कहता है कैश सेंड टू दिल्ली, मुंबई ने दिल्ली में कैश सेंड किया 15,000, कोलकाता में 7,000। तो रिसीवर हैं कैश के यहाँ पर दिल्ली और कोलकाता, तो ये अपनी बुक्स में डेबिट हो जाएंगे, दिल्ली 15 से डेबिट, कोलकाता 7 से डेबिट, और मुंबई 22 से क्रेडिट। नेक्स्ट हमें चेन्नई ब्रांच से कुछ ट्रांजेक्शन मिली अपार्ट फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के अलावा। ये कह रहा है रिसीव गुड्स फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से 30,000 के गुड्स रिसीव किए, तो चेन्नई डेबिट, कोलकाता क्रेडिट, चेन्नई रिसीवर, कोलकाता गिवर। एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड टू कोलकाता, कहता जी एक्सेप्टेंस और कैश दोनों कोलकाता को सेंड की, कितनी 20,000, 10,000। तो यहाँ रिसीवर कोलकाता है, वो डेबिट हो जाएगा 30,000 से, हमने कंबाइन एक कर दिया, और चेन्नई क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। नेक्स्ट कहता है कोलकाता ब्रांच से भी कुछ हमें एंट्री मिली जो ऊपर वाली आठ एंट्रियों के इलावा अलग से एंट्री है। कहता जी सेंट गुड्स टू चेन्नई, चेन्नई को गुड्स भेजे, तो चेन्नई इज द रिसीवर एंड कोलकाता इज द गिवर, तो चेन्नई डेबिट 35 से, कोलकाता 35 से क्रेडिट। नेक्स्ट कहता है पेड कैश टू चेन्नई, चेन्नई को कैश पे किया, तो सेम फिर वही कैश रिसीव चेन्नई ने किया, रिसीवर इज द चेन्नई एंड गिवर इज द कोलकाता, तो चेन्नई डेबिट 15 से, कोलकाता क्रेडिट 15 से। एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, फिर से सेंड किया चेन्नई को, रिसीवर कौन है, चेन्नई एक्सेप्टेंस का, तो चेन्नई की बुक्स में 15,000, चेन्नई का अकाउंट 15,000 से डेबिट, और कोलकाता का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट। तो ये सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब हमने फाइनली देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास इन सभी एंट्रीज का एक कंसोलिडेटेड करके, कि दिल्ली ब्रांच अकाउंट नेट में 15,000 से क्रेडिट हो रहा है, मुंबई ब्रांच 3,000 से डेबिट हो रहा है, चेन्नई ब्रांच 70,000 से डेबिट हो रहा है, और कोलकाता ब्रांच 58,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इन चारों का इफेक्ट डाल के एक एंट्री कर दी जी, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट 3,000, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 70,000, दिल्ली ब्रांच अकाउंट टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट 15,000, टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट 58,000। चेक करें हमारा टोटल 73 आ रहा है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड मैच है। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसमें इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसे आप एक बार रिवाइज कर लेना। इसका यही एक क्वेश्चन है जो हमारे स्टडी वर्ड में भी है, और जितनी बार भी एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं आया है टॉपिक,
दो या तीन बार ये आया तो यही एक क्वेश्चन आता है, या इससे छोटा क्वेश्चन एक आधी बार आया है जिसमें सिर्फ दो तीन एंट्रीज होती है और उन्हें जाकर हमने दो तीन ट्रांजेक्शन है उन्हें जाकर एक एंट्री हमने करनी है। तो बच्चों ये हमारे आज के दो टॉपिक तो यहाँ ख़त्म हो गए। इसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, बाद में आप लोगों ने उसके कुछ डाउट्स भी पूछे थे मुझसे, तो हमने डाउट क्लास में भी इसे कवर किया था और मैंने इसका सॉल्यूशन भी करके आप लोगों को भेजा था जो डिपेंडेंट से मैंने इसका सॉल्यूशन करके भेजा था, कॉस्ट और इनवॉइस मेथड दोनों से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम मैंने दोबारा से ऐड किया हुआ है आपके नोट्स में, देखे क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो डिपेंडेंट से भी हो जाएगा इंडिपेंडेंट से भी हो जाएगा। तो हमारा इंडिपेंडेंट में एक होलसेल प्राइस मेथड बोला गया है, ऐसा कोई मेथड एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया अलग से एक टॉपिक का होलसेल प्राइस मेथड। इसमें एक्चुअल में क्या है कि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों इंडिपेंडेंट है, हेड ऑफिस सिर्फ होलसेल ट्रेड करता है, रिटेल ट्रेड नहीं करता, तो अपनी ब्रांच को भी होलसेल प्राइस पे ही गुड्स ट्रांसफर करता है या किसी और पर्सन को भेजेगा तो सेल भी अपनी होलसेल प्राइस पे करता है और ब्रांच को भी होलसेल प्राइस पे ही ट्रांसफर करता है। तो एक बात चाहिए, हम इसे गुड्स सेंट लिख रहे हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो जाए ब्रांच तो हेड ऑफिस के लिए उसका गुड्स सेंट भी उसकी सेल ही होता है। तो इसीलिए जो गुड सेंट है वो सेम उसी प्राइस पे किया जाता है जिस प्राइस पे हेड ऑफिस किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है, तो इसीलिए इसे होलसेल प्राइस मार्क मेथड कहा जाता है, जहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच को होलसेल प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर करता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट के वे से हम इसे कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट में बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों आपस में सेपरेट एंटिटी हैं, तो गुड्स सेंट को भी आप होलसेल प्राइस पे लिखें और उसमें जो हेड ऑफिस ने जीपी कमाया है वो जीपी भी उसका हेड ऑफिस की बुक्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो अब चलते हैं जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहा गया जी, कहता बेटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज़ ए ब्रांच इन नागपुर, एक कंपनी है बीटा जिसका नाम है, जिसका हेड ऑफिस तो मुंबई में है, ब्रांच नागपुर में है। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 80%। तो हेड ऑफिस होलसेल ट्रेड कैसे करता है, कॉस्ट प्लस 80%, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट है उसमें 80% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के अपना गुड्स ट्रांसफर कर देता है। अगर कॉस्ट 100 है तो 180 पे वो सेल करता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 80%, तो जी ब्रांच को भी सेम उसी प्राइस पे ही वो गुड सेंट कर रहा है। द ब्रांच एट नागपुर इज होली एंगेज्ड इन रिटेल, तो जो नागपुर ब्रांच है वो टोटली सिर्फ रिटेल करती है। एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100, मतलब अगर हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 है तो ब्रांच 200 रुपये पे 200 रुपीज पे गुड सेंट कर रही है। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 है और हेड ऑफिस 180 पे गुड्स ट्रांसफर करता है, दैट मीन्स 80% ऑफ द कॉस्ट, और ब्रांच की कॉस्ट 180 है और ब्रांच 200 पे सेल करता है, तो दैट मीन्स ब्रांच 10% ऑन सेल्स अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है जी You are required to prepare trading and profit and loss account of the head office and branch for the year end. तो दोनों का अलग अलग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में दोनों का ट्रेडिंग P&L बनाया है, तो आप देख सकते हैं। हमें सबसे पहले हम ब्रांच का बनाते हैं, तो मैंने यहाँ हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का बनाया। तो ब्रांच की बुक्स में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक नील हो जाएगा। हेड ऑफिस की बुक्स में ओपनिंग स्टॉक है तो 2025,000 हमने लिख दिया जी, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिख देते हैं एक बार। परचेजेज हमें हेड ऑफिस की बुक्स में है तो 2550 मैंने हेड ऑफिस की बुक्स में परचेजेज लिख दी, और ब्रांच की बुक्स में कोई परचेजेज नहीं है तो नहीं लिखी। गुड सेंट टू ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में है 9,54,000 मैंने लिख दिया, और ब्रांच की बुक्स में नहीं गिवन क्योंकि वहाँ गुड्स रिसीव होगा, तो गुड्स रिसीव मैंने उसके डेबिट में 954 लिख दिया, क्योंकि जो हेड ऑफिस ने सेंड किया वो ब्रांच के पास रिसीव में भी होंगे। इसके बाद सेल्स हमें दोनों की गिवन है, तो दोनों की सेल्स बाय साइड पे लिखती है 2781,000 एंड 9,50,000। इसके बाद नीचे एक्सपेंसेस है जो P&L अकाउंट में लिखने हैं हमें। इसके अलावा ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक्स में और कुछ नहीं गिवन, हमारे पास दो चीज़ें मिसिंग है जी, एक जीपी मिसिंग है और दूसरा हमारे पास क्या मिसिंग है जी, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब अगर इसका हमें जीपी निकालना है तो जीपी निकालना बहुत ही सिंपल है इसका।
हेड ऑफिस की बुक्स में अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस ने एक तो सेल की 27,81,000 की, एक उसने गुड्स सेंट टू ब्रांच किए 9,54,000 के, दोनों ही उसने 180% पे किए। मीन्स 100 रुपीज़ कॉस्ट है तो 180 पे सेल की, तो दैट मीन्स इन दोनों के अंदर ही उसका प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 180 में 80 रुपीज़, मीन्स 80% ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ये दोनों ही इसका सेल प्राइस है, 27,81,000 उसकी सेल्स है, और जो ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है 954, वो भी उसके सेल प्राइस के इक्वल ही है, तो उसमें भी जीपी सेम रेट पे इंक्लूड है। तो हमने क्या किया, दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 180 × 80 कर दिया, तो हमारे पास ये इसका प्रॉफिट आ गया 16,60,000। क्लियर है जी, ये इसका जीपी हमारे पास आ गया हेड ऑफिस का। सेम अगर ब्रांच ने 9,50,000 रुपीज़ की सेल की है और उसकी सेल 200 रुपीज़ पर होती है और 180 पे वो रिसीव्ड करता है, दैट मीन्स इसका प्रॉफिट कितना होता है, 20 रुपीज़ आउट ऑफ 200। तो हमने भी क्या किया जी, इंटू 20/200 कर दिया 9,50,000 का, तो 95,000 हमारे पास जीपी आ गया, जो हम पहले बात भी कर रहे थे 10% ऑन सेल्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसके ट्रेडिंग अकाउंट में 95,000 एंड 16,60,000 जो हमारे पास जीपी आ गया है, वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया है। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया ब्रांच का 99,000, हेड ऑफिस का 7,00,000 रुपीज़। लो जी, अभी जीपी को हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट किया, हेड ऑफिस की बुक्स में 16,60,000, ब्रांच की बुक्स में 95,000, ये उल्टे लिख दिए गए। ट्रेडिंग में ब्रांच पहले लिख दिया, हेड ऑफिस बाद में, और P&L में करते हुए हेड ऑफिस पहले लिख दिया, ब्रांच बाद में। और बाकी जो हमें एक्सपेंसेस गिवन थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, स्टाफ सैलरी, ये तीनों डाल दिए और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया हेड ऑफिस का 14,33,000 और ब्रांच का 68,200। ये बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, इंडिपेंडेंट में बिल्कुल ही सिंपल है होलसेल प्राइस मेथड, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने का नहीं है। इन दोनों की अब सिर्फ ब्रांच के स्टॉक में स्टॉक रिजर्व निकालना होता है, लेकिन वो काम यहाँ पर नहीं होगा, वो इनकॉर्पोरेशन में होगा। जब हम ब्रांच में हेड ऑफिस की बुक्स, ब्रांच की बुक्स को हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तब वो काम होगा स्टॉक रिजर्व का, यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये टॉपिक यहीं तक है बच्चों, इसके बाद जो इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करना है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है, इसे कवर कर लें। जो आपके सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन हैं, होमवर्क के क्वेश्चन हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 तो हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों आपको करने हैं। 12, 14 और 15 हमारा क्लास में कवर हो गया है, लेकिन आप इन्हें एक बार दोबारा से रिवाइज ज़रूर कर देना। इसके अलावा हमारे पास ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 तो यही सेम था जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। और हमारा क्वेश्चन कोई बचा है क्या? शायद एक क्वेश्चन नंबर 5 हमारा शायद बचा है। क्वेश्चन नंबर 5 इनकॉर्पोरेशन का है, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे, जो हमारा इनकॉर्पोरेशन का है। उसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जो भी डाउट्स होंगे वो हम डाउट सेशन लगाएंगे, तो उसमें उसे कवर कर देंगे।